कोरोना महामारी के बीच लोगों को स्वस्थ और कुरुक्षेत्र के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शहर में साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत पैडल बियॉन्ड की पहल पर साइकिलिंग के लिए कुरुक्षेत्र में गलियारा बनाया गया है। इस गलियारे में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक और शाम 6 बजे से 8 बजे तक केवल साइकिलिंग सवार लोगों को ही जाने की इजाजत दी जाएगी। यह गलियारा सेक्टर 7 व 10 की डिवाइडिंग रोड पर बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य सड़कों का भी चयन किया जाएगा। बुधवार को इस गलियारे का शुभारंभ थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने किया। चलिए दिखाते हैं विधायक सुभाष सुधा ने क्या कहा। मैं आज गलियारे योजना का जो पूरा रूप तैयार किया गया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर महोदय का, हमारी मैडम ने यहाँ पर ट्रेनिंग पाई, उनका, ममता सुधा डिप्टी DSP का, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत अच्छी सोच के तहत ये साइकिलिंग का जो गलियारा का कार्य किया है। मैं इस प्रकार का गाड़ी बहुत बढ़िया कनाल में चल रहा है, कम से कम मैं कह रहा हूँ कनाल के अंदर जब यूथ चलता है 600-700 साइकिल डेली वहाँ पर एक देखने वाला नज़ारा होता है। इसी प्रकार क्षेत्र की जनता से भी हम फील करेंगे कि वो सुबह 5 से 7 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे तक इसी रोड पर ये सड़क बिल्कुल क्लोज रहेगी और इस पर हम साइकिलिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से अब डिप्टी कमिश्नर महोदय हमारे बता रहे हैं कि और भी जगह से डिमांड आ रही है, जहाँ जहाँ पर डिमांड आएगी हम वहाँ पर पूरी रोड्स का पूरा देख लेंगे, चेक कर वहाँ भी ये साइकिलिंग का इशू करा देंगे। और आज गलियारा साइकिल का जो शुभारंभ किया, मैं इसकी बहुत बहुत पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, कोरोना वायरस के अंदर आपने सब में देखा होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बंद है और हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी तरह का मूवमेंट है उसमें बढ़ाया जाए और उसमें साइकिल एक तरह का वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट है जो कि मोस्ट सेफेस्ट है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी रहती है। इसी को हमने बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट चालू किया गया है।